आईपीएल 2020 अभी हाल ही में खत्म ही हुआ है और इससे पहले एक बेहद बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है आईपीएल 2021 को लेकर कि 2021 के ऑक्शन में जो मेगा ऑक्शन होने वाला है यहां पर 9 टीम्स पार्टिसिपेट करने वाली है। और ये खबर छोटी मोटी खबर इसलिए बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि ये खबर आ रही है सीधे बीसीसीआई के ऑफिशियल्स की ओर से, जहां पर कौन सी रहने वाली है वो न्यू टीम, कौन इसकी कैप्टेंसी करने वाला है, पूरी बात हम करने वाले हैं। तो आईपीएल फैंस फटाफट वीडियो को अभी एक लाइक कर दें। गाइस सबसे पहले हम बात करें आईपीएल 2020 की, काफी रोमांचक तरीके से खेला गया और हम सभी को काफी इंटरेस्टिंग रोमांचक आईपीएल 2020 लगा क्योंकि यहां पर सुपर ओवर्स भी काफी खेले गए शुरुआत से ही और आखिरी में कैसे क्लोज मैचेस हो रहे थे ये तो आप जानते ही हैं। और अंत में 5 का पंच लगाया मुंबई इंडियंस की टीम ने, 5वीं बार आईपीएल की ट्रॉफी उठाई और आईपीएल के इतिहास की सबसे सफल टीम बन गई। तो एमआई फैंस के लिए तो बड़ा कॉन्ग्रेचुलेशन। लेकिन आईपीएल 2021 की बात की जाए जहां पर मेगा ऑक्शन होने जा रहा है ये तो आपको पहले से ही पता था। और अभी हाल ही में सौरभ गांगुली ने बड़ा बयान दिया था कि अप्रैल मई के मंथ में आईपीएल 2021 कंडक्ट कराया जाएगा। लेकिन इसके बाद जो अगली खबर है वो है 9वीं टीम को लेकर। आपको बता दें पहले भी जब चेन्नई सुपर किंग्स राजस्थान रॉयल्स की टीम बैन हुई थी तब दो न्यू टीम्स आई थी, राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स और गुजरात लायंस। लेकिन आईपीएल 2021 में जो अभी बीसीसीआई की ऑफिशियल्स की ओर से जो खबर सामने निकल कर आ रही है वो यही है कि 9वीं टीम जो रहने वाली है वो रहने वाली है अहमदाबाद की टीम, यानी गुजरात लायंस जो पहले आईपीएल का हिस्सा हो चुकी है अब उसी फ्रेंचाइज की एक और न्यू टीम आने वाली है यानी अहमदाबाद की टीम, और जिसको लीड करने वाले हैं नन अदर देन सुरेश रैना। तो ये बड़ी खबर चेन्नई सुपर किंग्स के फैंस के लिए भी है। तो चेन्नई सुपर किंग्स को छोड़ना होगा सुरेश रैना को अगर अहमदाबाद की टीम को लीड करना है। गाइस ये तो रही क्विक अपडेट, आपको क्या लगता है क्या चेन्नई सुपर किंग्स का साथ छोड़ेंगे सुरेश रैना, न्यू टीम को लीड करेंगे और 9वीं टीम के आने के बाद फॉर्मेट में भी चेंज होगा? तो ऐसा बीसीसीआई को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, अपनी राय अपनी ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं। और सभी क्रिकेट अपडेट्स लगातार पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर ऑल प्रेस करके रख लें। धन्यवाद।